अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। फिलहाल ऐसी खबर है और उस आधार पर आपको गुलिस्तान न्यूज खबर बता रहा है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। शुरुआत आपकी सेहत से जुड़ी हुई खबर से हम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द स्कूल खोलने का फैसला हो सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब कोविड के मामले कम हो रहे हैं, प्रशासन ने लापरवाही न बरतने की अपील की है। डीसी श्रीनगर ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। थोड़े दिनों में फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल डीसी श्रीनगर क्या कुछ कह रहे हैं कोविड के मामलों को देखते हुए, वो सबसे पहले आपको बाइट सुनवा देते हैं, फिर साहिल का रुख करेंगे। श्रीनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन डीसी श्रीनगर क्या कुछ कहते हैं आप जरा सुनिए। हमने देखा कि हर जगह, किसी मार्केट में देखें आप या जहां भी गैदरिंग थी, वहां हर किसी ने मास्क पहना होता था। तो आप देखें कि थर्ड वेव में जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि 4000 केस पर डे आएंगे, लेकिन तमाम उन प्रेडिक्शंस को हमारे श्रीनगर वालों ने गलत साबित कर दिया। हमारे 1700 सिर्फ 1700 ही हाईएस्ट पीक पर केसेस गए हैं और वहीं से नीचे आना शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे आप 100 के करीब केस निपट गए हैं, 100 के करीब आ रहे हैं, लेकिन हमें इस 100 को जीरो करना है ताकि कोविड पेंडेमिक है इसको पूरा पूरा यहाँ से तभी खत्म होगी जब हम सब मिलकर, कहीं पर भी सेलिब्रेशन का मकाम नहीं है। हम बिल्कुल नहीं समझे कि बस अब केसेस कम हो गए हैं तो अब हम मास्क छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें और ज्यादा स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। लगभग 6000 के करीब एक्टिव केसेस आज भी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। देखिए स्कूल्स के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें जल्दी फैसला ले लेगी और इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि पेरेंट्स से खासकर के 15-18 ईयर्स जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन बच्चों का करा के रखें। ये प्रिपरेटरी एक्टिविटीज है स्कूल खोलने से पहले, वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे एतमाद के साथ स्कूलों को खोल सकते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे सेफ हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया कि अगर मामले में सुधार होगा, लोग लापरवाही नहीं बरतेंगे तो लोगों के लिए बेहतरी होगी, स्कूल खुल सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रही। इस बीच साहिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से, श्रीनगर से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जम्मू भी चलेंगे और डॉक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वो आपको बताएंगे कि हालात में सुधार हो रहा है या फिर हालात एक बार फिर कोरोना को लेकर बिगड़ सकते हैं। साहिल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीनगर से। साहिल क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि डीसी श्रीनगर को हम सुन रहे थे, डीसी श्रीनगर ये कह रहे हैं कि हालात में अगर सुधार होगा तो स्कूल भी खुल पाएंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें, कई राज्यों का जिक्र करें तो स्कूल खुल गए हैं, बच्चे काफी खुश हैं कि अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे वो मिल रहे हैं, एंड्रॉइड फोन उनके पास नहीं थे, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जा रहे हैं। क्या अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसा संभव है, क्योंकि पहले वीकेंड लॉकडाउन हम देख रहे थे, उसके बाद कोविड के मामलों में अब धीरे धीरे सुधार हुआ, डीसी श्रीनगर के बयानात पर खबर बताइएगा क्या है। जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से डीसी श्रीनगर ने कहा है अपने अभी जो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जैसे ही कोविड 19 के केसेस में सुधार आता है, यानी वो नीचे आते हैं, और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ एक दिनों से लगातार जो है कोविड 19 केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, और जहां हमने एक दफा देखा था कि 6500 से तजावुज कर गए थे केसेस, अब जो हमारे केसेस हैं वो 1000 या 1200 या 1400 के आसपास जो है पूरे जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो एक अच्छा साइन उसको माना जाता है। उसके चलते जिस तरह से हमने परसों देखा कि जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन्होंने तमाम जो हुकूम है वो दिए थे एजुकेशन के मुताबिक हवाले से, उन्होंने बात की और ये बताया कि तमाम जो स्टेट्स हैं उनको हुकूम दिए गए कि वो अपने अपने स्टेट्स में देखें कि अगर वहां पर कोविड 19 केसेस में सुधार आता है तो आप अपनी जिम्मेदारी पर जो है वहां पर स्कूल्स या ट्यूशन सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ट्यूशन सेंटर्स को जो है इजाजत मिल गई है, वो अब फंक्शनल हो सकते हैं, ऑफलाइन मोड पर वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अगर इसमें मजीद सुधार देखने को हमें मिलता है, यानी कोविड 19 के केसेस जो है जो
लगातार नीचे आ रहे हैं, अगर वो और इसी तरह से नीचे आ रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये भी देखा जा सकता है कि स्कूल्स को एक बार फिर से खोलने की इजाजत दी जाए। और हमने दो दिन पहले भी देखा था जब हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये सवाल पूछा था कि क्या अब स्कूल जो है फिर से खुल सकते, तो उन्होंने कहा कि अब डिपेंड करता है जो वोकेशनल छुट्टियां जो हम यहाँ पर चल रही है उनके तहत जो है स्कूल बंद हैं, तो जैसे ही वोकेशनल छुट्टियां खत्म होती हैं उसके बाद अगर नॉर्मल हालात रहते हैं यानी कोविड 19 के केसेस में फिर से इजाफा नहीं होता है तो स्कूल खोलने की जो है वो पूरी संभावना है। जी हर्षी, ठीक है, लेकिन कोविड के मामले भी बताइएगा इस वक्त क्या हालात हैं, क्या लोगों को अब समझ आ चुका है कि स्थिति क्या है, लोग चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं क्योंकि लापरवाही नहीं बरतनी है साहिल, अगर लापरवाही बरती तो हम कई देशों के एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कितनी तादाद मौतों की हो गई और अभी भी हमारे देश के अंदर मौतों के आंकड़े में कोई कमी नहीं आ रही है और ज्यादातर वो आंकड़े बताए जा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई है, तो क्या वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग? जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन अगरचे निफाज में लाया गया था लेकिन दो दिन वीकेंड लॉकडाउन रखना उसके बाद पांच दिन बाकी रहते थे उसमें हम देखते थे कि लोग बाहर निकलते थे और तमाम जो कारोबारी इदारे हो या दुकानें हो या दफातर हो वहां पर फिर भीड़ भाड़ देखने को मिला करती थी, लेकिन जैसे ही वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया और लोगों में एक शऊर जो है वो पैदा हो गया और हमने देखा कि वीकेंड लॉकडाउन के बाद जो पांच दिन खुला करते थे लोग जो है अपने चेहरे पर मास्क रखा करते थे, मास्क का इस्तेमाल किया करते थे और भीड़ भाड़ गैर जरूरी तौर पर भीड़ भाड़ नहीं करते थे और हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है लोग सतर्क हो गए थे, वो इस बात का शऊर उनमें पैदा हो गया था कि अब अगर फिर से हमने लापरवाही की, फिर से हमने भीड़ भाड़ की, फिर से हमने अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया और सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ नहीं रखे तो खुदा न खास्ता एक बार फिर से परमानेंट लॉकडाउन में जो है चला जाएगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी कहें, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एक बार फिर से लॉकडाउन में चली जाएगी, जिसका खमियाजा इस बार जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भुगत नहीं सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि पिछले दो लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर की जो है कमर टूट कर रख गई थी, यहाँ की इकोनॉमी जो है वो दरहम बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा। साहिल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। श्रीनगर से जम्मू का रुख कर लेते हैं, जम्मू में क्या हालात है उसके लिए अनिल हमारे साथ हैं और डॉक्टर सलील गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी रابطہ करेंगे, लेकिन पहले अनिल मैं आपके पास आ रहा हूं, जम्मू से क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि कोविड के मामलों में अब धीरे धीरे गिरावट तो आ रही है लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है, क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से, और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में स्कूल भी खोले जा सकते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें या फिर अनेक राज्यों का जिक्र करें स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जम्मू में क्या स्थिति, क्या प्रशासन कह रहा है? देखिए निश्चित तौर पे हर्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही हमने अपने चैनल पर खबर चलाई थी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्कूलों को खोला जा सकता है और क्यों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड-19 के संक्रमण के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं पर दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगा तो दिल्ली हो या फिर अन्य राज्य हो वहां पर स्कूलों को खोल दिया गया है और वहीं पर आज जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल द्वारा दो दिन पहले एक बयान दिया गया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है और हालात जो है वो दिन पर दिन जो है वो अब केसेस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे, तो आने वाले समय 15 दिन का उन्होंने समय जो है वो निर्धारित किया है कि जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्कूलों को खोला जाएगा और जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं तो और मद्देनजर रखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक निर्णय लेने जा रही है कि जल्द हो सकता है कि जो अगला शुक्रवार होगा या संडे होगा तो इस दौरान जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं इशू की जाती हैं उस पर ये महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है और क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस में आप गिरावट देखने को मिल रही है और आम जनता भी सतर्क हो चुकी है और कहना कि भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है वहां पर भी अगर लोग एकत्रित होते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनको डिप्यूट किया गया है और लोगों को चालान भी किए जाते हैं और इसी सब मद्देनजर रखते हुए अब हो सकता है कि अच्छी खबर जो है अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर से आ सकती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी
जो वैक्सीनेट बच्चे हैं 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है जल्द अच्छी खबर जो है वो आने वाली है। ठीक है अनिल, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा कि पूरे देश भर का जिक्र करें या फिर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो मौतों के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। 24 घंटे में 1200 से ऊपर लोगों की मौत हो गई और मौत के आंकड़े इसलिए कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट से जब हम बातचीत करें, अभी सलील अरबी हमारे साथ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो शिकार कहीं ना कहीं इसका हो रहे हैं। जम्मू के क्या हालात है, क्या जम्मू में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है लोगों की हिस्सेदारी उसमें है? जी निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर बात करेंगे तो जम्मू प्रोविंस का जिक्र करना चाहूंगा तो यहाँ पर जोरों शोरों से जो है वैक्सीन के डोजेज जो है वो लगवाए जा रहे हैं और लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चाहे वो 15 से 17 वर्ष की आयु का जिक्र करना चाहूंगा तो वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं और कहना कि यह एक बहुत अच्छा फैसला है। और इसी के साथ साथ अब केसेस के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है और कल के आंकड़ों का जिक्र करना चाहूंगा तो कल के आंकड़े जो है लगभग जो है 700 के करीब जो है वो पहुंचे थे और अब मृत्यु के आंकड़े का जिक्र करना चाहूंगा वो अभी भी घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आम जनता को सतर्क रहना है, जिस तरह से अभी सतर्कता जो बरती जा रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर इन आंकड़ों को कम करना है तो मास्क, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को समय समय पर स्वच्छ रखना जरूर रहे। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल डॉक्टर सलील गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय एक बार फिर से देने के लिए। आप लगातार आते रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताते रहे हैं कैसे सावधानी और सतर्कता बरतें, एक बार फिर से आपका शुक्रिया कर रहा हूं सलील साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा क्योंकि आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो लगातार उतार चढ़ाव जारी है। पहले हमने देखा कि 2 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे थे, फिर 1 लाख से ऊपर मामले सामने आए, फिर 1 लाख से नीचे मामले हो गए और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 70,000 से ऊपर मामले सामने आए। लेकिन मौतों के आंकड़े में क्यों इजाफा हो रहा है सर? क्या ये वही मौतें हैं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके कारण मौत हो रही है या ओमिक्रॉन इसकी वजह है? वजह क्या है कि मौतों का जो ग्राफ है वो कम नहीं हो रहा है? हाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव हम जरूर देखते हैं लेकिन जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं सही तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है सलील साहब? हर्ष जी, ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम लोग सबके सब इससे काफी विचलित हो रहे थे। तो जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहली चीज़ तो ये है कि जी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनमें जो है कोरोना का जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा सिवियर हो रही है कंपेयर टू पीपल जो कि वैक्सीनेटेड हैं। इवन ओमिक्रॉन के साथ भी थोड़ी सी सिवियरिटी उनमें देखी जा रही है कंपेयर टू अदर्स। बट एक चीज़ ये है कि अभी आज की तारीख में 4% से कम हम लोगों का इन्फेक्शन रेट हो गया है और जो मौतों का ये है वो आई थिंक थोड़ा सा हम लोगों को इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी जो बाय चांस भी कोविड पॉजिटिव आ जा रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आए हों, चाहे हार्ट अटैक से आए हों, चाहे पैनक्रेटाइटिस से आए हों, चाहे किसी भी चीज़ से आए हों, वो सब के सब जो है कोविड डेथ्स में क्लासिफाई हो रहे हैं। तो इस पे सरकार ने एक अच्छी चीज निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो प्योरली बिकॉज ऑफ कोविड डेथ हो रही हो या एसोसिएटेड डिजीज विद कोविड डेथ हो रही है या इंसिडेंटली कोविड पता लगा हो। जब हम इस तरह से देखते तो आंकड़े फिर इतने घबराने वाले नहीं है। और एक चीज जो हम हमेशा कहना पसंद करेंगे वो ये कहना पसंद करेंगे कि जो इन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, 170 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है हमारे देश में जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तरह से, वो जरूर कराए। लेकिन सलील साहब मेरा सवाल ये रहेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना पर कम ही चर्चा हो रही है, चुनाव पर ज्यादा चर्चा हो रही है, फोकस किसी और मुद्दे पर है। लेकिन हम इसलिए कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हालात हमने देखे हैं पहली और दूसरी लहर में कैसे हालात बन गए थे। अब ऐसे हालात ना बने तो प्रशासन को भी सोचना होगा कि पूरा फोकस एक साइड नहीं, बैलेंस बना के चलना होगा। लोगों को भी ये समझना होगा कि हमें भी अपने आप में बैलेंस बना के चलना होगा, तभी हम देखेंगे कि चुनावों के बाद या आगे आने वाले समय में 4थी 5थी 6थी लहर का हमें सामना ना करना पड़े, जो स्थितियां हमने देखी है 3 लहरों में। जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हर्ष जी, और होपफुली यही चीज है कि सावधानी घटी और हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है। तो अभी हम लोग इतनी 2 साल की मशक्कत के बाद इससे निकल रहे हैं इस बीमारी से, तो पर अगर कुछ दिन तक अभी भी एहतियात रखें जब तक पूरे लोग ना वैक्सीनेट हो जाएं, और अभी भी कुछ लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन से डर रहे हैं
और नहीं करवा रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट आज की तारीख में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और धीरे धीरे देखिए स्कूल वगैरह खोलने बहुत जरूरी हो गए हैं, बिकॉज अब हम लोग ऑटिज्म और इन सब चीजों के बहुत केसेस देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए स्कूल जाना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। अब हम लोगों को किसी भी तरह उनको स्कूल पहुंचाना एक इम्पोर्टेंट चीज एस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और रहेगा क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ओमिक्रॉन केसेस में भी हम देख रहे हैं कि अचानक से बढ़ोतरी हुई, अब हाँ केसेस में थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन ऐसे और भी वेरिएंट आने की आशंका व्यक्त डॉक्टर करें, आप लोग कर रहे हैं, एक्सपर्ट कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए हमें तैयार रहना होगा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक तो वैक्सीन हमें लगवा के रखनी है, वैक्सीन लगवाई भी है तो इम्यून सिस्टम का अपना ध्यान रखना है कि कैसा बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम रहे, अपनी सेहत का ज्यादातर ध्यान रखना है, और अगर कोई भी लापरवाही हमसे होती है तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना है, इस लाइन को कहना भी बहुत जरूरी है। सलील साहब जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आज की तारीख में हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, दूसरी चीज एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपने रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर रनिंग, प्रॉपर डाइट, स्मोकिंग वगैरह एक्सेसिव अमाउंट्स में ना करें, ड्रिंकिंग वगैरह उसमें ना करें, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प अस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंटिन्यू करेगा, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और अगर हम लोग एज अ कंट्री सिर्फ इन्हीं एस्पेक्ट्स को ध्यान दे लें, शायद यही हम माइक्रो ये कोविड से सीख ले लें। जैसे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में जो कि थूकने की थी, पान खाते थे लोग और सब जगह जगह थूकते रहते हैं। यदि ये सब छोटी छोटी पब्लिक हेल्थ की चीजें हैं, या जो क्लिनलीनेस है, जो कूड़ा करकट ना डालने की, ये सब चीजें, हाथ धोने की, ये सब चीजें अगर हम लोग अपने उसमें कर लें, दो गज की दूरी रेगुलर अपने बिहेवियर में ले आए मेंटेन करने के लिए, तो शायद कुछ हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव भी निकला होगा वो कोविड से। बिल्कुल सलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, आप बिजी रहते हैं फिर भी समय निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। फिलहाल डॉक्टर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कैसे अपना आपको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रशासन तो काम कर ही रहा है, लेकिन आप भी काम करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश वैसे ही सुरक्षित होगा कोरोना से अगर आप अपना सिर्फ ख्याल रख लेंगे।